हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप स्मार्ट टीवी यूज कर रहे हैं और उसके अंदर आप जियो सिनेमा एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो कई बार क्या होता है, आपकी जो एप्लीकेशन है जियो सिनेमा एप्लीकेशन, वो कई बार जब आप लॉगिन करते हो तो स्टक हो जाता है, रुक जाता है, एक ही जगह पर आगे बढ़ता नहीं है, या फिर जब आप उसको लॉन्च करते हो एप्लीकेशन को तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, या फिर आप कोई मूवी, लाइव मैच या फिर कोई अदर प्रोग्राम आप देख रहे होते हैं तो उस टाइम भी जो आपका ये एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है या फिर वो चलता ही नहीं है प्रोग्राम। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है, आपका जो ये टीवी है उसकी सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है। तो हम लोग चलेंगे सेटिंग्स के अंदर। तो गाइज हम लोग यहां पर ये पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर आपको ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, ओके। तो यहां पर आपको करना क्या है, आपको जाना है जो आपका वाईफाई है, जिस वाईफाई से आपने कनेक्ट करके रखा है आपके टीवी को, उसको आप जस्ट प्रेस कर दीजिए, ओके। प्रेस करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका डिवाइस है, जिस डिवाइस से आपने कनेक्ट करके रखा है आपके जो टीवी को, उसमें चेक करना है, मेक श्योर करना है कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। मेक श्योर कैसे करोगे, आप अपना फ़ोन एक बार कनेक्ट कर लीजिए आपके वाईफाई से और उस पर चेक कर लीजिए कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो पहला मेथड तो ये हो गया कि आपको यहाँ पर जो आपका इंटरनेट है उसके साथ प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, सेकंड मेथड में आपको जाना है आपका जो ये यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ पर हम लोग आएंगे, यहाँ पर गाइस सेटिंग्स के अंदर आपको आना है। यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, हो सकता है आपके फोन जो टीवी है उसके अंदर कोई और ऑप्शन हो सेटिंग्स के लिए जाने के लिए, तो यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आप आ जाइए। सेटिंग्स के अंदर आप जैसे ही आएंगे तो गाइज यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ओके। यहाँ पर आपको क्या करना है, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है आपके टीवी के अंदर। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आप आ जाओगे, यहाँ पर गाइज आपको आपका जो वाईफाई है यहाँ पर शो हो जाएगा और इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आओगे तो गाइज आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस मिलेगा डिवाइस प्रिफरेंस का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डेट और टाइम का ये ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको जो आपका टीवी है उसका डेट और टाइम सेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक डेट टाइम ऑफ है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो हमारा जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइम जोन है जो आपका, यहाँ पर ये वाला टाइम जोन, ये भी आपको सेट करना है। तो आपको यहाँ पर जिस कंट्री में आप रहते हो उसका टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है। हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ये टाइम जोन सिलेक्ट करके रखा है इंडिया का, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ढूंढना पड़ेगा कोलकाता, ठीक है। कोलकाता करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन 5:30, ठीक है। आपको मेक श्योर करना है, अगर आप इंडिया में रहते हो तो 5:30 करके आपका यहाँ पर ये कोलंबो है, ये नहीं है, ये रहा नीचे की तरफ। तो देखिए गाइज यहाँ पर ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ये चेकबॉक्स चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद आपका यहाँ पर ये डेट और टाइम जो टाइम जोन है यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो गाइज पहला मेथड तो ये हो गया कि आपको वाईफाई, जो आपका वाईफाई कनेक्टेड है आपके टीवी के साथ, वो चलना चाहिए। सेकंड मेथड ये है कि आपका डेट और टाइम भी प्रॉपर सेट होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आ जाना है बैक, इसी सेटिंग्स के अंदर आप आओगे तो गाइज यहाँ पर आपको एक ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको जियो सिनेमा एप्लीकेशन पर प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या करना है, आपको यहाँ पर सी ऑल पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर उस एप्लीकेशन को आपको ढूंढना है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को इस एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है तो इस पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है,
यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बार स्टॉप कर देना है इसको, फॉर स्टॉप, ओके कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन स्टॉप हो गया है एक, जब तक हम लोग इसको वापस से ओपन नहीं करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर कैसे का। ये हमारी कुछ कुकीज टेम्परेरी फाइल होती हैं जो यहाँ पर आके ये डेटा को भर देती हैं, हमारे जो स्टोरेज होता है टीवी का उसको भर देते हैं। तो हम लोग इसको एक बार क्लियर कर लेंगे और इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना साइज था, पहले कुछ एमबी में था, अभी केबी में आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो साइज था वो जो कैसे का साइज था वो कम हो गया है, और जो हमारा जो स्पेस था टीवी के अंदर वो बढ़ गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लियर डेटा, यहाँ पर ये यह ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर गाइस जिसने बोला है कि एक बार अगर आप यहाँ पर ये क्लियर डेटा करोगे तो आपको एक बार वापस से लॉगिन करना पड़ेगा आपके जियो सिनेमा के अंदर, जिस आईडी को आप यूज करते हो, जिस फोन नंबर को आप यूज करते हो, एक बार आपको वापस से वो लॉगिन कर लेना है उसके साथ। इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारा साइज कम हो गया है, क्लियर कैसे बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर, यहाँ पर क्लियर डिफॉल्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको नीचे की तरफ, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। इसको ओके करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आप क्लियर डिफॉल्ट करते हो तो जो भी सेटिंग्स आपने जियो सिनेमा के अंदर करके रखी हैं वो एक बार रिस्टोर हो जाएंगे, डिफॉल्ट हो जाएंगी। ठीक है, ओके कर दीजिए इसको। ओके करने के बाद आपको जाना है परमिशन के अंदर, नीचे की तरफ परमिशन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आपने कुछ अगर परमिशन को डिनाई करके रखा है तो इसको जस्ट आपको ऑफ कर देना है। पहले तो ऊपर वाले पर जाना है, इस पर जाना है, डिनाई जो हम लोगों ने करके रखा है इसको अलाउ ओनली वाइल, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, ये कर दीजिए। बैक आ जाना है, वापस से आना है, ऑन कर दीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद बैक आना है आपको, और भी बैक आ जाना है, और चेक करना है कि जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था वो अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, इसके बाद वापस से आपको जाना है जो आपका टीवी है उसकी सेटिंग्स के अंदर आपको वापस से चले जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको जाना है जो आपका टीवी है, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको एक ऐप्स का ऑप्शन मिल सकता है, ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐप्स वाले बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर गाइज देखिए, इस लिस्ट के अंदर सी ऑल ऐप्स के अंदर आपको गूगल प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, जो गूगल प्ले स्टोर है आपका, यहाँ पर वो मिल जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है इसके ऊपर, ओके। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर क्लियर डेटा, और क्लियर कैसे, तो हम लोग यहाँ पर क्लियर डेटा नहीं करेंगे, ओनली क्लियर कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। परमिशन के अंदर आपको जाना है, यहाँ पर नीचे की तरफ परमिशन के अंदर चले जाइए, और यहाँ पर जो आपका परमिशन था, अगर आपने यहाँ पर इसको ऑफ करके रखा है, तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है, जस्ट आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये फाइल एंड मीडिया आपको ऑलरेडी आपका इनेबल रहेगा, नहीं है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आ जाना है गूगल प्ले स्टोर के अंदर। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर आप आओगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका प्रोफाइल है, जिस आईडी से, जीमेल आईडी से आपने लॉगिन करके रखा है आपके प्ले स्टोर के अंदर, तो यहाँ पर उसका आईडी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस जो आपके दिख रहे हैं, यहाँ पर अपडेट्स, फ्री अपडेट, अप स्टोरेज, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको स्टोरेज कम कम करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी एप्लीकेशन आपको अनइंस्टॉल करनी है जिनका आपके लिए कोई यूज ही नहीं है, जो यहाँ पर वो स्टोरेज को यूज कर रहे हैं आपके टीवी के अंदर। यहाँ पर चेक कर लीजिए उन एप्लीकेशन को, और आपको यहाँ से उसको अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पर मान लो मैं ये VLC है, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा इस साइड, और यहाँ पर इसको अनइंस्टॉल बोल दूंगा, तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाएगी, तो हमारा यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है। अगर यहाँ पर आपका फुल भर गया है तो आप यहाँ पर स्पेस कम कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि एप्लीकेशन को चलने के लिए कुछ स्पेस आपके जो
टीवी है उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप बैक कर लीजिए, बैक कर लीजिए। यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, गूगल प्ले का जो स्टोर है उसकी सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो राइट साइड में आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ऑटो अपडेट ऐप्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आपको यहाँ पर ऑटो अपडेट एट एनी टाइम ये वाला चेकबॉक्स चेक करके रखना है। ओके, यहाँ पर बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपको ये जाना है थोड़ा नीचे की तरफ, पेरेंट कंट्रोल का एक ऑप्शन मिल जाएगा इधर आपको, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर गाइज आपको जो सबसे ज़्यादा एज है वो वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। मान लो अगर आपने कोई यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा है या फिर 12 या फिर 7, तो आपको लास्ट में जो भी रहेगा, ठीक है, लास्ट में जो भी ऑप्शन रहेगा वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जाइए और क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर जाइए क्लिक कर दीजिए अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे ज़्यादा एज वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बैक आ जाइए, बिल्कुल बैक आ जाना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्च पर जाना है, ठीक है। ऊपर की तरफ भी आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर या तो आप स्पीक कर सकते हो, बोल सकते हो, या फिर मैनुअली टाइप कर दीजिए जियो सिनेमा। जियो सिनेमा जैसे टाइप करोगे तो आपको नीचे की तरफ आ जाएगा ये आइकन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इसके ऊपर, जियो सिनेमा जो हमारा ये एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आपके सामने ऐसा कुछ UI आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर गाइज यहाँ पर ओपन की जगह अपडेट है या फिर यहाँ पर अपडेट है तो इसको एक बार अपडेट कर लीजिए। हो सकता है आपके अपडेट ना करने की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रखा हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसको एक बार अपडेट जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम नहीं ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, एक बार इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, ओके कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पर ये हमारा एप्लीकेशन हो गया अनइंस्टॉल हमारे TV से। इंस्टॉल का बटन है, दिख रहा है आपको, इसी एप्लीकेशन के अंदर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पर उसका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको वाईफाई से ज़रूर कनेक्ट करके रखना है आपके TV को। तो देखिए यहाँ पर ही हमारा ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। इस जब ये जियो सिनेमा एप्लीकेशन जब डाउनलोड होती है तो आप उसको बैक नहीं करना है आपको, ठीक है, इसी स्क्रीन के ऊपर रहना है। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए बट इस स्क्रीन के ऊपर ही आपको रहना है, बैक नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो चुका है, अभी इंस्टॉलेशन के लिए चला गया है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर कुछ ऑप्शन चेंज हो जाएंगे जो हम लोग अभी देखेंगे। आपको बैक नहीं जाना है। हो सकता है आपका यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाए बट आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बैक नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हमारा जो TV है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका कितना जल्दी इंस्टॉल होता है आपके जो TV है उसके अंदर एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको थोड़ा वेट करना है यहाँ पर जब तक ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है वो वापस से इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको ओपन का जो ये बटन है यहाँ पर दिख रहा है, ओपन कर लीजिए बस इसको, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन जो ये है लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था कि एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली या फिर कोई भी प्रोग्राम नहीं चलता है, तो अभी वो प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा लॉगिन हो ये ओपन हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, रजिस्टर और लॉगिन, जो आपने पहले रजिस्टर करके रखा है जिस फ़ोन से कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो जैसे ही आपको यहाँ पर ये सब कुछ डिटेल्स दिख जाएगी, आपको क्या करना है यहाँ पर आपका लॉगिन कर लेना है आपके नंबर से या फिर जो आपने आपकी जो ID है उससे आपको लॉगिन कर लेना है, तो आपका यहाँ पर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाना चाहिए। अगर गाइस जिससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आप मेरे को मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ये कुछ मेथड कुछ तरीके थे जिनका आपको यूज करना है तो आपका यहाँ पर ये प्रॉब्लम था जो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पर जो जियो सिनेमा है आपके TV के अंदर उसको कैसे ठीक करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।